हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोगों के लिए दिखाती हूँ हमारे बच्चे लोगों के लिए एक वीडियो। हमारे बच्चे लोगों के लिए आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया वाला बनाना पाउडर की रेसिपी। ये बनाना पाउडर में कुछ भी केमिकल हम लोग नहीं डालते। हमारा घर पे बनाना अच्छा से सुखा के पाउडर करते हैं। और ये कैसे बनाते करके हम देखते हैं, चलो। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाती हूँ हमारे बच्चे लोग के लिए बनाना पाउडर। बनाना पाउडर बनाने के लिए मैंने इधर केरला वाला नेत्रकाया 1.5 kg लिया है। देखिए, केला पे पूरा दाग है, हमारा हाथ और नेल्स पूरा गंदा हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये पूरा अच्छा से पानी में साफ करके लेके आती हूँ। केला मैंने अच्छा से वाश करके लेके आया है और मैंने हाथ में पूरा ऑयल लगाती हूँ, नहीं तो दाग हाथ में और नेल का अंदर जाएगा। नेल का अंदर गया तो वो निकालने के लिए बहुत मुश्किल रहेगा और गंदा दिखते। इसके लिए ऑयल लगाते। अभी मैंने एक केला की छिलका वगैरह निकालती हूँ। एक कच्चा केला है ना, इसके लिए ये छिलका निकालने के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा काट के निकालना चाहिए। हमारा बनाना चिप्स का वीडियो आप लोग देखा रहे ना, ये सेम केला से वो चिप्स भी बना रहे। और आप लोगों को डाउट रहेगा, सिर्फ एक केला से बनाना पाउडर बनाते क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। रोबस्टा केला से भी बनाना पाउडर बना सकते हैं, लेकिन रोबस्टा केला से ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट एक केला में ज़्यादा है। इसके लिए केरला में ये नेत्रकाय से बनाना पाउडर बनाते हैं। आप लोगों को एक केला चाहिए तो साउथ इंडियन दुकान में मिल जाएगा, नहीं मिला है तो सादा रोबस्टा केला में बना सकते हैं। देखिए, अभी ये पूरा केला की छिलका वगैरह मैंने निकाल के रखा है। अभी हमें छोटा से चॉप करके लेना चाहिए। हम बनाना चिप्स वगैरह बनाते ना, जैसे जल्दी स्लाइस करने के लिए मैंने ऐसे वाला एक स्लाइसर यूज़ कर रहा है। ऐसे वाला स्लाइसर से स्लाइस किया तो बहुत बारीक से मिल जाएगा और जल्दी सुखा के मिल जाएगा। देखिए, इतना बारीक से हमको स्लाइस करके मिला है। अगर आप लोग का हाथ में ऐसा वाला स्लाइसर नहीं तो चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए, अभी मैंने पूरा केला मैंने ऐसे स्लाइस करके लिया है। अभी ये हम धूप पे अच्छा से सुखा के लेना चाहिए। उसके लिए मैंने धूप पे रखती हूँ, ऐसे थोड़ा स्प्रेड करके देना चाहिए। अभी केरल पे बहुत गर्मी है, इसके लिए 3-4 दिन के अंदर अच्छा से सुखा के मिलेगा। ये मेरा घर की टेरेस का ऊपर सुखाने के लिए रखा है, इधर बहुत अच्छा से धूप मिल जाएगा। देखिए, हमारी बैंगन की प्लांट है, देखिए ज़्यादा पक्का हो गया है। ये बैंगन मैंने काट के लेती हूँ, इसमें पूरा काटा वाला चींटी है। देखिए, मेरा हाथ पूरा काटा है। आज तीसरा दिन है, ऑलमोस्ट अच्छा से सुखा की हो गया है, फिर भी मैंने एक और दिन भी रखती हूँ। बीच बीच में कुछ सुखाने के लिए है तो वो भी सुखाने के लिए रखते हैं। देखिए, आज फोर्थ डे है, हमारा केला अच्छा से सुखा के हो गया है, पापड़ जैसा हो गया है। अच्छा से ऐसे सुखाना चाहिए, नहीं तो बनाना पाउडर खराब हो जाएगा। अब ये हम अच्छा से पाउडर करके लेना चाहिए। उसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार में ये सूखा वाला केला डाल के देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा डाल के पाउडर कर दीजिए। देखिए, हमारा बनाना पाउडर रेडी हो गया है। एक कांच की बोतल में, नहीं तो स्टील की बोतल में डाल के रख दीजिए, बहुत महीना यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चे लोगों को दूध में 1 स्पून डाल के गुड़ वगैरह डाल के अच्छा से मिला के गैस पे रख के अच्छा से गरम करके दे दीजिए। और ये प्रेगनेंसी लोगों को भी बहुत अच्छा है, ये बच्चे लोगों को वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया तो आप लोगों का फ्रेंड्स लोगों को और रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिए। और केरल की बनाना चिप्स का वीडियो भी मैंने डाला है, आप लोग देखा नहीं तो वो भी देख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।